अब दिखने लगे। कई बार 90 का आंकड़ा पार करने के बाद भी वो अपनी सेंचुरी पूरी नहीं कर पा रहे हैं। पिछले मैच में भी सचिन 99 रन पर आउट हो गए थे। आने वाले मैचों में सचिन अपनी सेंचुरी पूरी कर पाए, इसके लिए उनके फैंस ने एक बैट को सचिन का रूप मानकर इसका पवित्रीकरण किया। तो बैट पर रक्षा सूत्र बांधा गया जिससे दुष्ट आत्माओं और बुरी नजर से सचिन की रक्षा हो सके। हवन कराने वाले पंडित का कहना है कि इस हवन से सचिन पर जो भी बुरा प्रभाव है वो अगले 2 से 3 मैचेस में खत्म हो जाएगा और सचिन जल्द अपनी सेंचुरी बनाने में सफल होंगे। हम ये मानते हैं कि कोई ना कोई जो उनके प्रति जो भी उनका प्रतिभागी है, जो भी उनका राइवल है, चाहे वो मैदान के अंदर है चाहे वो मैदान के बाहर है, क्योंकि देखिए अगर सचिन के रेट डाउन होते हैं, सचिन की एड डाउन होती है तो किसी ना किसी को तो मिलेगी, यानी उनके नुकसान से किसी ना किसी का तो उससे फायदा जुड़ा ही हुआ है। अब वो कोई व्यक्ति मुझे जो लगता है जो हमें प्रथम दृष्टि में ज्ञात होता है कि किसी ने उनके बैट या उनके खेल के ऊपर कोई इंद्रजाल का एक स्तंभन प्रयोग किया है जिसको काटने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं, और मैं निश्चित तौर से कह सकता हूँ कि ये कोशिश आने वाले 2 या 3 मैचों में निश्चित तौर पर सफल होगी और वो अपना शतक मार पाएंगे। फैंस का कहना है कि सचिन दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी हैं और इस तरह बार बार उनका 90s में आउट होना किसी दुष्ट आत्मा की वजह से है। उन्होंने इसलिए हवन किया ताकि सचिन जल्दी ही अपनी सेंचुरी पूरी कर पाए। हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं क्योंकि हमारे महान प्लेयर सचिन तेंदुलकर पिछले 1 वर्ष से अपने शतक को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से हम ये पूजा और हवन में शामिल हुए हैं ताकि वो जल्द से जल्द अपना शतक पूरा कर सकें। जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले काफ़ी टाइम से सचिन 20 से ज़्यादा बार 90 और 100 के बीच में आउट हो चुके हैं, और क्योंकि हम उनके बहुत बड़े फ़ैन हैं और हम चाहते हैं कि अपने वो शतकों के जो पारी है वो 40 से बढ़ाकर काफ़ी ज़्यादा तक ले जाएं, इसलिए हम ये हवन करा रहे हैं ताकि वो अपने शतक को कम्प्लीट कर पाएँ। एक तरफ जहां सचिन के शतक के लिए हवन कराए जा रहे हैं, वहीं कानपुर भी मैच के लिए पूरी तरह से तैयार है। भारत और पाकिस्तान के बीच तीसरा वनडे मैच रविवार को कानपुर की